तो फ्रेंड्स आज देखिए मखाने के बहुत ही टेस्टी खीर, और ये दो मिनट में बनने वाली खीर है फ्रेंड्स, और सिर्फ मखाने ने मखाने और मूंगफली की है। तो फ्रेंड्स मखाने को देखिए, मखाने ली हूँ, दो कप मखाने ली हूँ और आधे कप जैसी मूंगफली है। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों को कढ़ाई में, एक मैं कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में आधा चम्मच तेल डाल के या तो घी डालें और उसमें रोस्ट कर लें, थोड़ी सी गर्म कर लें, ताकि ये इसको पीसना है फ्रेंड्स, दरदरा पीसना है तो अच्छा से पिसा जाए, उतना कड़क कर ले आप थोड़ी सी, क्योंकि मखाने सॉफ्ट रहते हैं। और इसको थोड़ी सी रोस्ट कर देने के बाद मूंगफली का भी टेस्ट बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए मैं दरदरा इसको पीस ली हूँ, मूंगफली और मखाने को। उसके बाद चलिए इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई में अभी कुछ भी ऑयल वेल नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ इसको दूध से पकाना है फ्रेंड्स। मखाने और बिनट की मूँगफली की खीर बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप देखिए साबुदाना का खीर खाते, हलवा खाते, उससे भी 10 गुना टेस्टी ये बनने वाले हैं। चलिए इसको बनाती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ देखिए मखाने को डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ 2 कप, जिस कप से ये कटोरी सब मखाने को ली हो उससे दूध डालें, क्योंकि ये थोड़ी सी डीप हो जाएंगे, गाढ़ी हो जाएंगे, तो दूध इसमें चाहिए। तो यहाँ 2 कप दूध डाल के इसको खुला लेते हैं, और स्वाद अनुसार चीनी डालें, और थोड़ी सी मखाने आधा कप जिसे मैं रख ली थी उसको ऊपर से डाल दिए। इसका क्रंची स्वाद भी आएंगे फ्रेंड्स ऊपर से भी, जब आप चबा खाओगे तो। ऊपर से मैं देखिए चीनी डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दें। चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वाद अनुसार, लेकिन यहाँ परफेक्ट इसका टेस्ट हो, और इसका जो है मीठा भी बहुत अच्छा बना। तो फ्रेंड्स आप सब ज़रूर बनाइए। देखिए बन के तैयार है, इसको 2 मिनट के लिए खोलाएँ, और ये खीर, मखाने का खीर तैयार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।